डोमिनिका में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट में अश्विन ने 5 विकेट चटकाए हैं और उसके बाद जो कुछ उन्होंने बयान दिया और वो बहुत ही चौंकाने वाला था। और सच तो ये है कि अश्विन जब भी कोई अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं दर्द जो है वो छलक जाता है। WTC फाइनल में उनको नहीं खिलाया गया था, उसका दर्द भी उनमें जो है साफ तौर पर दिखाई दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं खिलाया गया था WTC फाइनल में, इट इज फाइन, कोई बात नहीं, सब चलता है, उन्होंने कहा। लेकिन मुझे भी इस बात का जवाब देना था, जी हाँ, क्योंकि मुझे नहीं खिलाया गया था, मुझे इसका जवाब देना था। मैं ड्रेसिंग रूम को कैसे भरोसा दिलाऊं, क्योंकि उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाना था, क्योंकि यही मेरे पास एक जरिया है, क्योंकि मैं बोलने में विश्वास नहीं करता, मैं अच्छा प्रदर्शन करने में विश्वास रखता हूं। और WTC फाइनल जीतना और उसमें बड़ी भूमिका निभाना मेरा एक सपना था जो मेरा साकार नहीं हो पाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो प्लान जो तैयार किया गया था टीम मैनेजमेंट द्वारा वो पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाया। इस मैच में 60 रन देकर 5 विकेट उन्होंने चटकाए हैं 23.5 ओवर की गेंदबाजी में, और इस तरह से 33वीं बार उन्होंने 5 विकेट हॉल किया और एंडरसन के 32वीं बार 5 विकेट लेने के करिश्मे को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। अब वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जब भी वो 5 विकेट लेंगे किसी ना किसी बड़े खिलाड़ी के रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे या उसके आसपास उसकी बराबरी कर लेंगे। अब अगली बार जब वो 5 विकेट लेंगे तो रंगना हैरत के 34 बार इस करिश्मे की बराबरी कर लेंगे, उससे अगली बार अगर वो 5 विकेट लेंगे तो वो 35वीं बार कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, और 37वीं बार यदि वो करते हैं तो ये कमाल वो शेन वॉन की बराबरी कर लेंगे। मुरलीधर ने तो खैर ये कमाल 67वीं बार किया है। इसके अलावा उन्होंने पिता पुत्र की जोड़ियों को जो आउट किया है, पहले पिता को आउट किया, अब लंबे अरसे बाद जो उनके बेटे को आउट किया, ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। और तेज नारायण चंद्रपाल को जिस तरह से मैजिक बॉल पर उन्होंने आउट किया, क्रीज के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, गेंद जो है मिडिल एंड ऑफ स्टंप की गेंद थी और पढ़कर थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, एक परफेक्ट ऑफ स्पिन बॉल हुई जिस पर वो चकमा खा गए और वो बोल्ड हो गए। अल्जारी जोसफ को जिस तरह से उन्होंने आउट किया, वो एक कैरम बॉल थी, बहुत ही शानदार गेंद थी। तो उन्होंने अब कुल मिलाकर यही कहा है, लबोलवा पूरा इस पूरी बातचीत का उनका यही है कि अच्छे प्रदर्शन से ही सोच मैं बदल सकता हूं, और उनको निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और मैं भी कहूंगा टीम इंडिया से कि टीम इंडिया उन पर भरोसा रखे, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये, और जो खिलाड़ी 450 विकेट और टोटल 700 विकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ले चुका हो तो वो अपने आप में उसके मायने हैं, क्योंकि 700 विकेट ऐसे ही नहीं मिल जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप अश्विन से कितना इत्तेफाक रखते हैं उस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।